हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। तो आज मैंने कुछ इस तरह से सजाया है पन्नी। मैं पन्नी से सजाती हूँ हर साल, तो इस बार मुझे पन्नी मिली नहीं, यहाँ मिलती नहीं है, मैं वहीं गांव से ही ले आती हूँ, तो नहीं मिली थी, तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। और ये मैं कन्हैया जी का जन्मदिन करवा रही हूँ, और फ्रेंड मुझे जैसा आता है मैं उस हिसाब से कर दे रही हूँ। और आगे कुछ भी अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तो मुझे जितना पता है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। तो मैं ये जन्मदिन करा रही हूँ कन्हैया जी का, ये तो करेक्ट 12 बज चुके थे, मैं अब स्नान करा रही हूँ कन्हैया जी का। कन्हैया जी का स्नान कराने के बाद मैं दही से स्नान दही से कर रही हूँ। अब मैं ये दही से कर रही हूँ, उसके बाद सिंपल पानी से कर दूँगी। फिर से और ये फ्रेंड जो दूध मैंने पकड़ रखा है, ये गाय का दूध है, गाय के दूध से ही स्नान कराया जाता है, सभी को पता होगा। तो मैं इस नॉर्मल पानी को अब ये मैं इसको दही से करूँगी। दही वो दूध है, सॉरी, दूध से नहलाऊँगे। दूध से नहलाने के बाद शहद रखा है, शहद से करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कन्हैया जी को ये सब करने में, बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ ही इनको सुबह उठ के नहलाती हूँ। सुबह मेरी जो पूजा होती है, सुबह उठती हूँ तो मैं कन्हैया जी को नहलाती हूँ, रोज का है मेरा। और आज तो खैर जन्माष्टमी है, दो बार नहलाया है कन्हैया जी, सुबह भी नहला दिया था। सुबह मैं वो सो जा सुला देती हूँ, सुलाने के बाद जब उठते हैं तो उनको नहलाती हूँ। तो वही मेरा अब दोबारा से जो जन्म कराया है तो खैर करना ही पड़ेगा, तो मैं नहला रही हूँ दोबारा से। तो अब ये मैं सादा पानी से, और ये मेरा बन गया है जो मैंने कन्हैया जी को नहलाया है, यही पंचामृत, इसको मैं मिला दूँगी पंचामृत में, ये प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद हो गया है इस, ये सबको मैं प्रसाद को मैं सभी लोगों को बांट दूँगी। और इसमें पंचामृत आप अलग से भी बना के रख सकते हैं, एक गिलास में पूरा बना के रख सकते हैं, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही नहलाती हूँ, तो यही पंचामृत बन गया है, और इसको मैं सभी लोगों को मैं बांट दूँगी। ये मैं अभी रख दूँगी साइड में, कन्हैया जी को कपड़े पहनाने हैं इसलिए जगह नहीं है, फ्रेंड देख रहे हो बस इतनी जगह है। और जो मैंने प्रसाद बनाया है वो मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं हो रही थी इसलिए मैंने ऊपर रख दिया है। मंदिर ऊपर, मंदिर भी ये पूरा ही मंदिर है, ऊपर सारे भगवान जी बैठे हैं, तो मैंने यहाँ नीचे कन्हैया जी को रखा है आज के लिए। तो ये 5 दिन तक यहाँ रहेंगे, जब तक इनकी छठी नहीं हो जाएगी। छठी हो जाएगी तो मैं फिर इनको ऊपर मंदिर में रख दूँगी। तो मैं ये कन्हैया जी को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, और मुकुट जो है उनका मिल रहा था उसी में, उनकी ड्रेस में मिल रहा था, मतलब पहले से इकट्ठा रखे थे, तो मिष्टी नहलाते थे, मिष्टी ने क्या कहा, यही एक मुकुट साबित रखा था, बाकी सब यूज कर दिए थे, रोज़ बदल बदल के पहनाते थे मिष्टी। तो मैंने देखा ये वाला सही था, मैच कर रहा था, तो मैंने फिर यही वाला मुकुट पहना दिया उनको, क्योंकि मैं ड्रेस तो ले आई थी फिर मैं मुकुट नहीं लाई, क्योंकि मुझे पता था रखे थे बहुत सारे। जब मैं शाम को कपड़े पहनाने के लिए देखा तो उसमें एक ही पैकेट में था, बाकी सब यूज हो चुके थे, मिस्टी ने सारे यूज कर दिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं, इतनी रात में तो नहीं ला सकते। और ये थोड़ा सा कलर अलग था, येलो कलर है मुकुट का, मैंने कहा कोई बात नहीं, इस
मैं यही लगा देती हूँ। और अब मैं मिश्री और माखन से उनका भोग लगा रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद था मिश्री और माखन। मिश्री तो उनकी बहुत पसंदीदा थी, तो मैं वही कर रही हूँ, खिला रही हूँ उनको। तो फ्रेंड मैंने और टीका वगैरह तो कर दिया था, और मम्मी भी है, मम्मी मेरे पीछे खड़े हैं, मम्मी है मेरे पास। तो मम्मी, वैसे मम्मी ही करती थी पूजा, मम्मी के हाथ में मेहंदी लगी तो मम्मी बोले आज तुम कर लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मम्मी पीछे खड़ी हैं, मम्मी देखती जा रही हैं। तो ये है पंजीरी, इस बार मैंने सूजी की पंजीरी बनाई है, नहीं तो मैं आटे की भी बनाती थी, इस बार सूजी की बनाई पंजीरी। तो फ्रेंड कोई मन से करो कुछ भी, जैसा आप बनाते हैं आप उस हिसाब से बनाइए, ऐसा नहीं है। और ये मैंने साबूदाना की खीर बनाई थी, तो ये खीर खिला रही हूँ मैं, खीर का भोग लगा रही हूँ। तो मेरे यहाँ जो गांव में ना, वो आटे की पंजीरी बनती थी वहाँ पे, और यहाँ पहाड़ों में सूजी की बनती है। तो इस बार मैंने सूजी की ही बनाई, मैं आटे की भी बना लेती हूँ और सूजी, इस बार सूजी की बनाई। मैंने कहा चलो इस बार सूजी की बनाती हूँ। तो मुझे आटे की पंजीरी बहुत पसंद है, क्योंकि आप उसको बना के रख सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, नाश्ते में भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसलिए बनाती थी, मुझे बहुत पसंद है आटे की पंजीरी, लेकिन इस बार नहीं बनाई, मैंने सिर्फ सूजी की बनाई। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो जितना थोड़ा बहुत किया इस बार, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और ये मैं पंच मिठाई लाई थी, तो पंच मिठाई मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, अपने कान्हा को, अपने लल्ला को मैं खिला रही हूँ। तो मुझे बहुत 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 पसंद है कान्हा जी, मैं उनको देखती हूँ। और शाम को, सुबह जैसे मैंने बताया कि मैं उनको नहलाती हूँ, शाम को सुला देती हूँ दूध पिला के, तो बस अब ये आरती होने लगी है फ्रेंड। फिर बड़ी सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर। तो फ्रेंड मैंने ना जो कन्हैया जी की पूजा की थी, जो जब कन्हैया जी पैदा होते हैं तो नारा चलाई जो होता है, मतलब बच्चा जब जैसे होता है तो सब कुछ किया जाता है, वो मैंने खीरे से किया था, पर वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, क्या जो हुआ। मैं तो उसी वीडियो को देख रही थी, वो वीडियो ही नहीं मिला, वो मैंने किया था फ्रेंड, रह गया पता नहीं। तो उसके बाद मिष्टी को बनाया था, कान्हा मिष्टी गई तो मुझे कान्हा बनाओ, हर साल बनती है कान्हा। तो ये माखन माखन खा रही, माखन मिला नहीं था तो वो ऐसे कर रही थी, माखन खा रही। और ये छत पे, तो फ्रेंड ये मिष्टी के कपड़े देखो कितने छोटे हो गए हैं। और मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग, तब तक।